इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट. साइन ऑफ 60 कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस साइन ऑफ 30 डिग्री कॉस ऑफ 60 डिग्री. इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू हमें निकालना है, इसको एवेल्युएट करना है. साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है डेट इज़ रूट ऑफ 3/2 मल्टीप्लाई कॉस ऑफ 30 डिग्री. कॉस ऑफ 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो भी होता है रूट ऑफ 3/2. तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा रूट ऑफ 3/2 इंटू रूट ऑफ 3/2. उसके बाद क्या है प्लस साइन ऑफ 30 डिग्री, उसका वैल्यू होता है 1/2 मल्टीप्लाई कॉस ऑफ 60 डिग्री, उसका भी वैल्यू क्या होता है 1/2. अब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है. रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 3 इज रूट ऑफ 3 स्क्वायर, वो बनेगा रूट ऑफ 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इज 4 प्लस 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 2 इज 4. स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, तो पहली टर्म क्या आएगा 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, ये हमें आया इसका रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन. तो यहाँ हम निकालेंगे एलसीएम, एलसीएम का वैल्यू यहाँ पे 4 आ रहा है और ऊपर जो न्यूमरेटर्स है दैट इज 3+1, 3+1 इज 4 डिवाइडेड बाय 4, 4/4 इज 1. तो इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू हमें आया दैट इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है जिसका वैल्यू हमें निकालना है, ट्वाइस टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री. तो यहाँ पे सबसे पहला वैल्यू हम सब शूट करेंगे ट्वाइस टेन स्क्वायर 45. टेन ऑफ 45 का वैल्यू क्या है, टेन ऑफ 45 इज 1, लेकिन यहाँ पे इस रेशियो का क्या है स्क्वायर, दैट मीन्स 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30. तो कॉस 30 का वैल्यू क्या है रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2, लेकिन इस रेशियो के लिए भी क्या है स्क्वायर है. माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन का 60 का भी वैल्यू क्या है रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2, और इस रेशियो के लिए भी क्या है स्क्वायर है. तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको फर्दर, 1 स्क्वायर डेट इज 1 आएगा 2 इंटू 1 प्लस, ये स्क्वायर जो है रूट 3 को भी है 2 को भी है. रूट 3 को स्क्वायर करेंगे 3 बनेगा, 2 को स्क्वायर करेंगे 4 आएगा. माइनस यहाँ पे भी रूट 3 को भी स्क्वायर है 2 को भी स्क्वायर है, रूट 3 को स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, 2 को स्क्वायर करेंगे 4 आएगा. तो इस एक्सप्रेशन में प्लस 3/4 माइनस 3/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 2 इंटू 1 That is equal to 2.